एकदम खूबसूरत झरना है यहाँ पे, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं इतना मस्त नज़ारा है ना। अब यहाँ भाई बार बार ही आना पड़ेगा गर्मियों के टाइम पे थोड़ा नहाने वगैरह के लिए। तो अभी भाई इतना मिला और अभी और गहराई पे खुदाई कर रहे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा मिल जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतुड़ी ब्लॉग्स। और आज भाई आए हुए हैं यहाँ कोठार गांव में। ये कोठार जो गांव है ना, तो कुछ घर इस तरफ हैं, कुछ जो मेन गांव है वो दूसरी तरफ है, वो मैं आपको जाते हुए दिखाऊंगा आज। लेकिन फिर से आ गए हैं भाई शादी के बाद, तभी पहली बार आ रहे हैं यहाँ कोठार गाँव में। तो कुछ ऐसे हैं भाई यहाँ के घर, कुछ लोग इस तरफ रहते हैं, बाकी जो असली कोठार गाँव है वो है वहाँ, जो हल्के फुल्के आपको मकान दिख रहे होंगे ना, वहाँ बहुत बड़ा गांव है। पिंकी के ससुराल आए हुए हैं और ये देखिए भैंस, तो यहाँ भैंस इन्होंने चलने के लिए छोड़ दिया। अभी ये एक दो भैंस अभी इस रास्ते से ना नीचे की तरफ गई है, या तो ऊपर जंगल की तरफ जाते होंगे, ये रास्ता है ऊपर जाता है, तो ऊपर जंगल में छोड़ते होंगे। बाकी अभी हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा घूमने जाएँगे ऊपर जंगलों की तरफ, तो वहाँ ले चलते हैं आपको। और भाई यहाँ कल श्याम को आ गए थे और यहाँ रहे थे भाई कल श्याम को। के घर से ना थोड़ा सा ये वाला रास्ता आता है और यहाँ से जाएगा ऊपर, और यहाँ से नीचे की तरफ ये छानियाँ हैं यहाँ लोगों की। बाकी भाई यहाँ कुछ इस प्रकार है मकान, और हम यहाँ से जाएंगे अभी ऊपर की तरफ। कुछ लोग चले गए हैं मेरे ख्याल से और हम ऊपर जंगलों में जा रहे हैं वैसे तो। तो कल के दिन वीडियो बन नहीं पाए क्योंकि जैसे मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रहा था गाँव में, तो मुझे पता नहीं था ये लोग वहाँ जा रखे हैं, और इन्होंने भी यार जिद करी कि चलो वहाँ चलते हैं। फिर मैं बना नहीं पाया क्योंकि यहाँ आते आते तो अंधेरा हो गया था। उसके बाद भाई अभी जाके सुबह के टाइम पे मैंने कहा चलो आज के दिन फिर दो वीडियो बन जाएंगी, अगर हम यहाँ से जल्दी गांव की तरफ निकल गए तो फिर गांव में भी एक वीडियो बन जाएगी। बाकी आपको यहाँ कुठार के तरफ, अभी हम ऊपर जंगलों में जा रहे हैं, कुछ प्लानिंग है तैड़ वगैरह जो होता है ना जंगल में होता है तैड़, जो अरबी टाइप का होता है बिल्कुल, तो शिवरात्रि के दिन उसे लोग निकालते हैं वैसे, लेकिन इस तरफ कह रहे कि बहुत सारे रहते हैं, तो अभी वो तैर निकालेंगे। अभी कुछ लोग चले गए, पंकज भाई और एक दो आदमी और चले गए ऊपर, और अभी एक दो और आ रहे हैं तो मैं उनके साथ जाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ ऊपर सड़क में आया हुआ हूँ, और भाई सड़क यहाँ नई नई कटी है, तो थोड़ी सी अभी सड़क भी ख़राब है, इतनी ख़राब नहीं है लेकिन हाँ चलने लायक ठीक है। और यहाँ जो कुठार गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी मकान है इस तरफ भी, लेकिन जो मेन कुठार गाँव है वो उस तरफ हल्का फुल्का दिखाई देता है, बहुत कम यहाँ है। काफ़ी बड़ा गांव है, वो जाते हुए आपको मैं दिखा दूंगा। और बाकी आगे की तरफ अभी कटी रही है रोड ना, रोड पे काम चल रहा है, ये आगे पता नहीं कहाँ जाती है रोड, मतलब भिलंग की तरफ जाती होगी पूरी आगे, वैसे नीचे से भी जाती है रोड, लेकिन यहाँ आगे कुछ गांव होंगे तो उनसे मिलती होगी ये रोड। फिलहाल तो भाई मुझे यहाँ का ही पता है कि ये कुठार गाँव है। बाकी ऊपर जंगल में अभी ये लोग ले जाएंगे तो वहाँ बताएंगे कैसे हम तैड़ वगैरह निकालेंगे वहाँ से, तो रास्ता मेरे ख्याल से यही होगा। तो यहाँ पे आपको गोबर वगैरह दिख रहा होगा ना नीचे, तो इनकी भैंसें यहाँ जंगल जाती हैं, तो ये भैंसों को खोल देते हैं ऊपर जंगलों में चरने के लिए। फिर यहाँ ये वाला सीन सही है कि जंगल नज़दीक है, तो भैंसों को मतलब ऐसे घास उतना लाना नहीं पड़ता है, भैंसों को छोड़ दो जंगलों में, वो खुद ही चर के फिर शाम को वापस आ जाते हैं। तो तैड़ खनने के लिए जा रहे हैं तो कुदाल लानी ज़रूरी होती है, तो अभी फावड़ा लेके आ रखे हैं, और कुछ लोग आगे चले गए हैं, बाकी हम दो लोग चलेंगे और रास्ता यही बताएंगे भाई, क्योंकि मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ। और थोड़ी देर ऊपर जंगल में आने के बाद यार यहाँ से ना खूबसूरत झरना दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम खूबसूरत यार, इतना बड़ा पहाड़ है वहाँ पे और पूरा उस पहाड़ के ऊपर से ये पानी बहते हुए आ रहा है। अभी नज़दीक से दिखाएंगे आपको यार, काफ़ी मतलब एकदम खूबसूरत लग रहा था हमें दूर से। तो
मतलब एकदम खूबसूरत झरना है यहाँ पे, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, इतना मस्त नज़ारा है ना। अब यहाँ भाई बार बार ही आना पड़ेगा गर्मियों के टाइम पे थोड़ा नहाने वगैरह के लिए, क्योंकि ऐसी खूबसूरत जगह मैंने देखी नहीं है। मतलब ऐसा जो खूबसूरत नज़ारा होता है ना झरने का, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन खैर उत्तराखंड में यार यही चीज़ मुमकिन है, कहीं भी मिल सकती है ऐसी खूबसूरत जगह आपको। अभी आपने आगे की तरफ देखा होगा, यहाँ से काफ़ी लोग जा रहे थे अपनी भैंस को लेके, तो लोग भैंस वगैरह के साथ भी आते रहते हैं भाई, क्योंकि जंगल नज़दीक है। इसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि भैंस को छोड़ दो जंगल में, क्योंकि जंगल में किसी का ऐसा बाड़ा वगैरह तो है नहीं इधर, तो ये चीज़ बढ़िया होती है। बाकी ये हमारे टीम के लोग हैं जो कुछ लोग उठा रखे हैं, बाकी यहाँ पर पंकज भाई बैठे हुए हैं। तो भाई यहाँ तैड़ ढूँढने के लिए आए हैं आज, तो तैड़ निकालने के चक्कर में घूम रहे हैं यहाँ कोठार गांव के जंगलों में। मतलब ऐसे टाइम पे ना मज़ा काफ़ी आता है जब ऐसे घूमने को मिलता है ना, अलग अलग गांव के अलग अलग जंगलों में, और कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं हम, तो ऐसे चीज़ कामों पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक तो एकदम ट्रैक जैसा हो जाता है कुछ, थोड़ा सा जो एडवेंचर टाइप का हो जाता है, तो ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी नीचे जो झरने की बात कर रहे थे, तो अभी कह रहे थे हम लोग कि आज जो कैंपटी फॉल है ना देहरादून में, वो झरना उससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये यहाँ का झरना। और इधर ना बहुत सारे ऐसे झरने मिलेंगे आपको हर जगह, और ये झरना 12 महीने इसमें पानी रहता है। तो अभी सब्बल दरांती सब लेके जा रहे हैं भाई, और जो तैड़ होता है ना वो मतलब काफ़ी गहराई पे चला जाता है कभी कभी, तो उसकी बेल ढूंढनी पड़ती है। अभी दिखाएंगे आपको बेल मिलेगी। खैर अभी तो यहाँ भाई रास्ता थोड़ा सा ऐसी है, और जो मैंने माइक लगा रखा है उसकी वायर थोड़ी सी लंबी होने की वजह से ये कांटों में फंस रही है, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है भाई। तो भाई मतलब अगर तैड़ ढूंढना है और तैड़ खाने के लिए भाई लाना है, थोड़ी सी ऐसी मेहनत तो लगती है। तो कुछ ये जो बेल है ना, तो कुछ ऐसी बेल होती है भाई, ये सूखी हुई बेल हैं तो इस समय सूख जाती हैं, तो ऐसी बेल के चक्कर में हम नीचे से अगर कहीं से मिल जाए, वैसे आधी टूटी हुई है, तो जहाँ पे नीचे से ऐसी बेल मिलेगी ना वहाँ पे थोड़ा सा खुदाई करेंगे और चेक करेंगे कि वहाँ पे तैड़ मिलता है कि नहीं। तैड़ को ढूंढने के लिए आप देख ही रहे होंगे भाई, इतनी मेहनत करी है यहाँ पे, इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया है, और अभी मतलब हल्का सा मिला है वो। बाकी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अभी वहाँ अभी एक दो टीम गई थी, मतलब एक दो लोग गए थे थोड़े इधर उधर देखने, जहाँ पे उसकी बेल मिलती है ना तो वहाँ पे ये लोग खोद रहे हैं, और यहाँ पे वैसे तैड़ मिल गया अभी। तो कुछ इस प्रकार का है भाई ये देखिए तैड़, तो अभी भाई इतना मिला है, और अभी और गहराई पर खुदाई कर रहे हैं, तो हो सकता है इससे ज़्यादा मिल जाए, तो कुछ ऐसा ही होता है और सब्जी के काम आता है भाई, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए इतनी मेहनत क्यों की जा रही है, क्योंकि भाई ये एक हिसाब से जड़ी बूटी समझ सकते हैं आप इसकी सब्जी, ना केमिकल ना कुछ, बिल्कुल एकदम प्राकृतिक रूप से उगी हुई सब्जी जो कि जंगलों में ज़्यादातर मिलती है यहाँ। तो जो मैंने अभी आपको तैड़ दिखाया कुछ ऐसा ही होता है भाई तैड़, तो इसको खोद रहे हैं इधर ये लोग, और मैं थोड़ा सा निकल चुका हूँ यहाँ आगे की तरफ, थोड़ा सा देखने भाई कि वो झरने का पानी आखिर आ कहाँ से रहा है। यहाँ ऊपर ना पूरा ऐसा चट्टान टाइप का है, पूरा चट्टानी है टाइप का नहीं, पूरा चट्टानी है, और यहाँ ये लोग आते रहते हैं हर जगह पे, जहाँ पे भी देखो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई तैड़ खोदे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ तैड़ के लिए। बाकी थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ा तो ये फ्योली के फूल मिल गए, और ये फ्योली के फूल तो भाई आजकल इन्हीं का टाइम है, और ये मिलेंगे ही। लेकिन एक और चीज़ मिलती है यहाँ गदेरी की तरफ, वो है ये बिच्छू घास यानी कि कंडाली, जो कि बड़े ख़तरनाक इसके कांटे होते हैं ये देखिए, जो कि आपके शरीर पर लगते हैं तो शरीर में करंट सा दौड़ता है। तो ये वो झरने का पानी पूरा यहाँ से जा रहा है, अभी ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, कुछ वहाँ से बह रहा है, कुछ यहाँ पे बह रहा है, कुछ ज़मीन के नीचे से चला जाता है, और फिर वहाँ झरने के पास वो सारा भार आ रहा था, और यहाँ ऊपर भी एक छोटा सा झरना टाइप का दिख रहा है, लेकिन उसमें पानी कम ही है ये वाला जो है, क्योंकि ऊपर ना पूरी ऐसे चट्टान टाइप की है ये, और ये देखिए मैं कह रहा था ना चट्टान है ये, पूरा ऊपर चट्टान है, ऐसे ऊपर नज़र मारेंगे ना ऐसे पूरा, मैं पूरा मतलब गर्दन मैंने पूरी घुमा दी, तो यहाँ तक ये पूरी चट्टान है भाई ये देखिए, और नीचे तक
ऐसी है कुछ ये चट्टान। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये भी बहुत होते हैं गदेरे की तरफ, तो इसे कहते हैं बाना। तो जो लिंगड़ा होता है ना वो इन पे ही आता है, बाकी ये बड़े हो चुके हैं, इनकी जड़ों पे ही लिंगड़े आते हैं। तो लिंगड़े भी भाई लग रहे हैं कि यहाँ होते होंगे बहुत सारे, क्योंकि उसके जो पौधे हैं वो आसपास काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे पानी का रोखला टाइप का बना रखा, हमारे यहाँ रोखला ही कहते हैं इसे, ऊपर से पानी बहते हुए आ रहा भाई नीचे की तरफ, और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। वैसे बनाया हुआ लग नहीं रहा है, लेकिन बना हुआ है ये खुद ही। तो ऐसी जगहों पे भैंस को पानी पीने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो अभी यहाँ पे गहराई ना कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा खोदना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं अभी। ऐसी अभी ऊपर की तरफ देखा था भाई, आगे की तरफ, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ खोद के देखेंगे वहाँ पे मिलता है जल्दी कि नहीं। चले गए उस तरफ से और मैं जा रहा हूँ भाई दूसरे रास्ते से, क्योंकि वहाँ रास्ता ख़राब है और मैं नहीं चाह रहा कि मेरा जो सेटअप है वो टूट जाए। हालांकि मैं इनसे पहले यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो अभी इस तरफ देखा था इन्होंने, यहाँ कहीं तैड़ है। अभी देखते हैं ऊपर की तरफ कहाँ पर है भाई वो तैड़। तो मतलब बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में, वैसे भी हम थोड़ा सा लेट आए थे, लेट नहीं, यहाँ धूप जल्दी आ जाती है तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गया हमारे गाँव के हिसाब से। यहाँ धूप 8 बजे आ जाती है भाई सुबह, और हमारे गांव में आती है 10 बजे, इसलिए हमारे गांव में तो सुबह ये समझ लीजिए कि 10 बजे के बाद ही होती है। खैर आजकल धूप जल्दी आने लग गई है 9:30 के करीब, और धीरे धीरे हमारे गांव में भी ऐसी बढ़ती रहेगी धूप। तो कुछ टाइम पे मतलब अप्रैल में तो 7:30 बजे आ जाती है, अप्रैल से जुलाई के टाइम तक, उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर से दिन छोटे होने लग जाते हैं भाई। थोड़ा और आगे आने पर ये दिख रहा है कि भाई यहाँ बहुत सारे लिंगड़े होते होंगे, क्योंकि यहाँ पूरा ऐसे इनकी ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। पूरे ये जो पौधे हैं ना, ये वाले सारे लिंगड़े के पौधे हैं। और अगर जैसे किसी ऐसे जंगल में जाते हैं, जैसे हमारे गांव की तरफ जो जंगल होते हैं वहाँ थोड़ा सा डर लगा रहता है जंगली जानवरों का, और काफ़ी चीज़ों का डर लगा रहता है, लेकिन इस तरफ बताऊँ क्या है, यहाँ आसपास भाई लोग नज़र आ रहे हैं, कोई बकरी के साथ आया है, कोई भैंस के साथ आया है, तो इसलिए यहाँ ना डर वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए मतलब एकदम बेफिक्री से आप अपना तैड़ वगैरह जो भी ढूंढना है, या गाय भैंसों के साथ आए हो तो वो काम कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये रास्ता देखिए कैसे बिल्कुल खड़ा रास्ता है भाई, और यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ने में ना बहुत आफत आएगी। और ऊपर लोग, पंकज भाई लोग ना काफ़ी ऊपर चले गए तैड़ की ढूँढ में, तो एकदम खड़ा रास्ता भाई नीचे से, मतलब ऐसा लग रहा था कि रास्ता ठीक है, लेकिन आप अभी भी सही लग रहा होगा, लेकिन जब आप ऊपर देखेंगे ना कैसे चल रहे हैं उस पर। यह है मोल का पेड़, तो इस पर फूल आए हुए हैं, तो इसी पे निकलते हैं भाई, मोल मुंडी जो होती है ना इसी पे निकलती है। तो अभी देखें हम कितने ऊपर आ रखे हैं, सड़क दिखाई दे रही होगी काफ़ी दूर, ये देखिए सड़क है, और वहाँ से आए हैं भाई हम ऊपर की तरफ, और अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं जंगलों में। अभी जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं जा रहे हैं, और तैड़ यार हमें अभी मिले नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत कर दी, सुबह आ गए थे हम 8:30 बजे, और अभी 11 बज चुकी है, और अभी भी भाई तैड़ ढूंढ ही रहे हैं लेकिन तैड़ नहीं मिले। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नज़ारे जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत हैं, और यहाँ पर मोल का पेड़ है एक, अभी मैं उसके फूल दिखाऊँगा आपको, इतने भयंकर फूल आए हुए हैं उस पर। ये यहाँ पर है ये मोल का पेड़, और मैं कह रहा था ना कि इन्हीं पे लगती है भाई वो मोल मुंडी जो होती है ना, लेकिन ये फूल चुका है मतलब इस पे फूल आ चुके हैं। तो फूल आने से पहले जो कोंपले होती है उन्हें कहते हैं मोल मुंडी वैसे, लेकिन अभी ये खाने लायक नहीं है। इसकी कीमत बाज़ार में लगभग 40 से 50 रुपए हैं, लेकिन इसका टेस्ट बाज़ार की तैड़ से काफ़ी अच्छा और स्वादिष्ट है।
ऊपर से नीचे आ गए हैं भाई जंगल से, और तैर थोड़ा बहुत ले आए हैं। कट्टे में मैंने आपको दिखाया था वो तैर था, बाकी यहाँ पे भाई नीचे कुठार गांव में अभी बस यहाँ से हम जाने वाले हैं अब घर की तरफ। और यहाँ हवा ना ऐसी चलती रहती है बड़ी तेज। और ये है भाई आड़ू के फूल, और इसके बगल में ना एक और है, तो ये कह रहे हैं पोलम है। जो ये सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे हैं ना, तो बहुत सारे सफ़ेद फूल हैं इस पर, ये देखिए। और जो असली कुठार गांव है वो ये रहा सामने की तरफ, पूरा गांव यहाँ है और कुछ घर इस तरफ हैं यहाँ के। तो अभी जिस कोठार गांव की मैं बात कर रहा था ना, तो असली कोठार गांव ये है यहाँ पे नीचे। तो ये सारे जो भी घर है ना ये कोठार गांव है। बाकी हम उस तरफ गए हुए थे भाई, यहाँ से नजर नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी कुछ मकान है और वो भी कोठार गांव में ही आता है, लेकिन असली जो कोठार गांव है वो यहाँ पे है। और अभी भाई हम यहाँ से घर की तरफ जा रहे हैं, तो इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा कोठार गांव, और अभी तैर के ले गए थे वो आपको कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।